प्रो कबड्डी लीग 2019 के सभी मैचों के लिए समय सारिणी के साथ साथ पूरा कार्यक्रम हम आपको बताने जा रहे हैं। 20 जुलाई को तेलुगु टाइटंस और यू मुंबई एक साथ खड़े होंगे, बेंगलुरु बुल्स और पटना पायरेट्स दूसरे मैच में। 21 जुलाई को बेंगलुरु बुल्स गुजरात फॉर्चून से लड़ेंगे और तेलुगु टाइटंस तमिल थलाईवास से। 22 जुलाई को यू मुंबा जयपुर पिंक पैंथर से लड़ेगी और पुनेरी पल्टन हरियाणा स्टीलर से। यूपी योद्धा 24 जुलाई को बंगाल वॉरियर से लड़ेंगे और दूसरे मैच में तेलुगु टाइटंस दबंग दिल्ली से। 25 जुलाई को बस एक ही मैच है, जो मैच है दबंग दिल्ली और तमिल थलाईवास का। 26 जुलाई को यूपी योद्धा गुजरात फॉर्चून जाइंट से लड़ेंगे और तेलुगु टाइटंस पटना पायरेट से। 27 जुलाई को यू मुंबा पुनेरी पल्टन से लड़ेगी और जयपुर पिंक पैंथर्स बंगाल वॉरियर से। 28 जुलाई को दबंग दिल्ली हरियाणा स्टीलर से लड़ेगी और यू मुंबा बेंगलुरु बुल से। 29 जुलाई को तमिल थलाईवास पटना पायरेट से लड़ेगी और बंगाल वॉरियर्स पुनेरी पल्टन से। 30 को कोई मैच नहीं है और 31 को फिर से शुरू होगा ये खेल, जहां पे हरियाणा स्टीलर जयपुर पिंक पैंथर से लड़ेगी और यू मुंबा यूपी योद्धा से। 1 अगस्त को गुजरात फॉर्चून का मैच दबंग दिल्ली से होगा। 2 अगस्त को तेलुगु टाइटंस यूपी योद्धा से और बॉम्बे गुजरात से। 4 अगस्त को हरियाणा स्टीलर्स तमिल थलाईवास से और पटना पायरेट्स पुनेरी पल्टन से। 5 अगस्त को दबंग दिल्ली जयपुर पिंक पैंथर से और गुजरात फॉर्च्यून्स पुनेरी पल्टन से। 7 अगस्त को यूपी योद्धा का मुकाबला तमिल थलाईवास से होगा और पटना पायरेट्स हरियाणा स्टीलर्स के सामने दिखेगी। 8 अगस्त को तेलुगु टाइटंस बेंगलुरु बुल्स के सामने होगी और 9 अगस्त को बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला यू मुंबा से होगा। पटना पायरेट्स का मुकाबला यूपी की योद्धा से होगा। 10 अगस्त को गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स तमिल थलाईवास से लड़ेगी और पुनेरी पल्टन दबंग दिल्ली से। 11 अगस्त को बेंगलुरु बुल्स का मुकाबला हरियाणा स्टीलर से होगा और गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स का तेलुगु टाइटन से। 12 अगस्त को बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला तेलुगु टाइटन से होगा और दूसरा मुकाबला यूपी योद्धा का बेंगलुरु बुल्स से। 14 अगस्त को यूपी योद्धा हरियाणा स्टीलर से लड़ेगी और गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स बंगाल वॉरियर्स से। 15 अगस्त को फिर से एक मुकाबला होगा, जिसमें जयपुर पिंक पैंथर्स पुनेरी पल्टन से लड़ेंगे। 16 अगस्त को बॉम्बे पटना से और गुजरात जयपुर से। 17 अगस्त को तमिल थलाईवास बेंगलुरु बुल्स से और बंगाल वॉरियर्स दबंग दिल्ली से। 18 अगस्त को हरियाणा स्टीलर्स तेलुगु टाइटन से और तमिल थलाईवास पुनेरी पल्टन से। 19 अगस्त को यू मुंबा हरियाणा स्टीलर्स से और यूपी योद्धा पिंक पैंथर से। 21 अगस्त को पुनेरी पल्टन बेंगलुरु बुल से और तमिल थलाईवास जयपुर पिंक पैंथर से। 22 अगस्त को बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला पटना पायरेट से होगा और 23 अगस्त को गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स पटना पायरेट से लड़ेंगे और दूसरा मुकाबला तमिल थलाईवास का यू मुंबा से। 31 अगस्त का मुकाबला बेंगलुरु और गुजरात का होगा और बॉम्बे और जयपुर का। 1 सितंबर को यूपी के योद्धा बंगाल के वॉरियर्स लड़ेंगे और बेंगलुरु बुल्स तमिल थलाईवास का मुकाबला करेगा। 2 सितंबर को पुनेरी पल्टन हरियाणा स्टीलर से लड़ेगी और तेलुगु टाइटंस तमिल थलाईवा से। 4 सितंबर को जयपुर दिल्ली से और बेंगलुरु पटना से। 5 सितंबर को पुनेरी पल्टन का मुकाबला यू मुंबा से और 6 सितंबर को पटना पायरेट्स का मुकाबला यूपी योद्धा से और दूसरा मुकाबला बेंगलुरु बुल्स का तेलुगु टाइटन से। 7 सितंबर को बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला गुजरात फॉर्च्यून जायंट से और दबंग दिल्ली का हरियाणा स्टीलर से। 11 सितंबर को हरियाणा स्टीलर्स का मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर से होगा और बंगाल वॉरियर्स का यू मुंबा से। 12 सितंबर को जयपुर पिंक पैंथर्स पटना पायरेट्स से लड़ेंगे और 13 सितंबर को तेलुगु टाइटंस यू मुंबा से और बंगाल वॉरियर्स बेंगलुरु बुल्स से। 14 सितंबर को पुनेरी पल्टन गुजरात फॉर्च्यून जायंट से लड़ेंगे और तमिल थलाईवास हरियाणा स्टीलर से। 15 सितंबर को दबंग दिल्ली गुजरात फॉर्च्यून जायंट से लड़ेंगे और पुनेरी पल्टन पटना पायरेट से। 16 सितंबर को जयपुर पिंक पैंथर्स का मुकाबला यूपी के योद्धाओं से होगा और तेलुगु टाइटंस का मुकाबला दबंग दिल्ली से होगा। 18 सितंबर को यू मुंबा का मुकाबला यूपी के योद्धाओं से होगा और दूसरा मुकाबला पुनेरी पल्टन का मुकाबला तमिल थलाईवास से होगा। 19 सितंबर को बंगाल के वॉरियर्स हरियाणा के स्टीलर से लड़ेंगे और 20 सितंबर को तेलुगु टाइटंस पटना पायरेट्स से फिर से सामने आएगा।
पुनेरी पल्टन का दूसरे मैच में बेंगलुरु बुल से मुकाबला होगा। 21 सितंबर 2019 जयपुर पिंक पैंथर्स गुजरात फॉर्चून जायंट्स के खिलाफ सामने आएगा और यूपी योद्धाओं का मुकाबला तमिल के थलाईवास से होगा। 22 सितंबर को यू मुंबा गुजरात फॉर्चून जायंट्स से लड़ेगा और जयपुर पिंक पैंथर्स बंगाल वॉरियर्स से। पटना के पायरेट्स 23 सितंबर को हरियाणा स्टीलर्स के सामने फिर से होंगे और दबंग दिल्ली बेंगलुरु बुल्स के सामने। 25 सितंबर को तेलुगु टाइटंस बंगाल वॉरियर्स से लड़ेगा और जयपुर पिंक पैंथर्स पुनेरी पल्टन से। 26 सितंबर को पटना पायरेट्स दबंग दिल्ली का मुकाबला होगा। 27 सितंबर को यू मुंबा का मुकाबला बेंगलुरु बुल्स से होगा और जयपुर पिंक पैंथर्स का तेलुगु टाइटंस से। 28 सितंबर को हरियाणा स्टीलर्स यूपी योद्धाओं से लड़ेगा और दूसरे मुकाबले में गुजरात फॉर्चून जायंट्स तमिल थलाईवास से। 29 सितंबर को पुनेरी पल्टन दबंग दिल्ली से और हरियाणा स्टीलर्स का मुकाबला गुजरात फॉर्चून जायंट्स से। 30 सितंबर को बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला दबंग दिल्ली से होगा और तमिल थलाईवास का मुकाबला यू मुंबा से। 2 अक्टूबर को यू मुंबा का मुकाबला पटना पायरेट्स और हरियाणा स्टीलर्स का मुकाबला बेंगलुरु बुल से होगा और 3 अक्टूबर को तेलुगु टाइटंस पुनेरी पल्टन के सामने आएंगे। 4 अक्टूबर को जयपुर पिंक पैंथर्स बेंगलुरु बुल्स के सामने होंगे और हरियाणा स्टीलर्स तेलुगु टाइटंस के। 5 अक्टूबर को यूपी योद्धा वर्सेस दबंग दिल्ली और गुजरात के फॉर्चून जायंट्स पटना पायरेट्स के सामने होंगे। 6 अक्टूबर को बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला पटना पायरेट्स से होगा और यूपी योद्धा का पुनेरी पल्टन से। 7 अक्टूबर जिसमें लीग के आखिरी मैच का दिन होगा, वहां पे तेलुगु टाइटंस गुजरात फॉर्चून जायंट्स के सामने होंगे और तमिल थलाईवास जयपुर पिंक पैंथर्स के। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो इस पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।